गाइस मुझे पता है कि आप लोग एडीसीपी हयाक अकाउंट के अपडेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होंगे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फ्री में, जी हाँ आपने बराबर सुना, फ्री में किस तरीके से आप दुबई से इंडिया पैसे किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। हो सकता है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता हो, लेकिन एक बार 5 मिनट की वीडियो देख लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और कंट्री में पहुंचता नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप इग्नोर कर जाते हैं या गलत डाल देते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो उससे अच्छा है कि 5 मिनट की वीडियो देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी। चलो आपको लेके चलते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे, आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है। सिंपली हमने बैंक एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, सिंपली यहाँ पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, हमने बिल पेमेंट नहीं करना है, हमें क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करना है, हमें ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, बेनिफिशियरी हमने पहले ऐड कर रखा है, इसको कुछ कुछ लोग पेई भी बोलते हैं, पेई ऐड कर रखा है हमने, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको पे ही ऐड करना नहीं पता है किस तरीके से करना है, या तो आप करना जानते हैं, तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार 5 मिनट की वीडियो देख लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ गलती करने से अच्छा है। फिलहाल फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं कम से कम पेमेंट ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो इतने पेमेंट होने चाहिए कि भाई उसे बर्दाश्त कर सकूँ। 10-20 हज़ार 30 हज़ार अगर डाल दिया है, कुछ मिस्टेक हो गया, होल्ड हो गया है, और बैंक के, दुबई के बैंक का तो कुछ नहीं करता, आप फ़ोन पे ईमेल पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के बैंक से जो है आपको विज़िट करना पड़ता है। तो इसके लिए फ़र्स्ट ट्रांसफ़र मैं आपको भी ये सजेस्ट करता हूँ, कम से कम वैल्यू भेजिए। तो फर्स्ट ट्रांसफ़र देखिए, मैं 1000 भेज रहा हूँ, 1000 अगर भेजूँगा तो मुझे कितना पेमेंट देना पड़ेगा, 1000 के लिए 50 दिरहम 0.24 दिरहम हमें देना पड़ेगा। पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र डाल, फैमिली सपोर्ट, ऑन अकाउंट ट्रांसफ़र पर्पस और रियल एस्टेट अबाउट द रेसिडेंस, ऑन अकाउंट ट्रांसफ़र पे क्लिक करें, क्योंकि वो मेरा ही अकाउंट है। एड्रेस डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। डालने के बाद यहाँ पे देखिए, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, आपको अमाउंट डालना है, अमाउंट डालने का आपको देख लेना भाई कितना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका पूछ रहा है किस अकाउंट से आपको ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट, जैसे आपके पास 2-3 अकाउंट्स हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक ही अकाउंट है। बैलेंस जो है हमारा 80.53 दिरहम हमारे अकाउंट में था, जिसमें से हम इतना भेज देंगे। चार्जेस देखिए लिख करके सिंपली आ रहा है कि फ्री है, ये जो हम भेज रहे हैं ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप कभी भेज रहे हो, यहाँ पे चार्जेस देख लो, अगर आप कोई ऑप्शन गलत चूज़ करोगे तो कभी कभी चार्जेस 100 दिरहम भी लिख करके आते हैं, कभी कभी 50 दिरहम आएंगे, 12 दिरहम आएंगे, तो वो सारी चीज़ें को कंसिडर नहीं करना है आपको। सिंपली यहाँ पे देख लेना, चार्जेस फ्री है। यहाँ पे देखिए, मैं एक बार फिर से अपना अकाउंट नंबर देख लेता हूँ। सारी चीज़ें देखने के बाद सिंपली एक क्लिक पे हम पे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे पे क्लिक करेंगे कि हमारा सर्फिंग चल रहा है, सर्फिंग चलने के बाद उनके जो डेबिट कार्ड है वो कार्ड का पिन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम पिन नंबर डाल देंगे। पिन नंबर डालने के बाद सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, तो ये जो मैसेज में जो कोड लिख करके आएगा वो कोड हमें यहाँ पे डाल देना है। तो हमारा यहाँ पे देखो ऑटोफिल का ऑप्शन है, इसके लिए ऑटोमेटिक फिल हो गया है, तो मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात से इंडिया जो है पैसे ट्रांसफ़र होने के लिए सारी चीज़ें बता रहा था। हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी आया, मैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ऑल डन, हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। अगर हमको ईमेल में कंफर्मेशन देना है कि भाई हम जिनको भेजे हैं उनको हम भेज दिया हमने पैसा, तो हमने ईमेल देखिए यहाँ पे लिख दिया, लिख करके सेंड पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे जो है ईमेल में भी सारी चीज़ें जो है चली जाएंगी। अब उसके बाद ये जो चीज़ है ऑल डन, इसका एक स्क्रीनशॉट करके ज़रूर रख लो, क्योंकि कभी आपका कुछ मुश्किलात हो गए, समझो कुछ मिस्टेक कर दिया आपने कभी, तो ये जो ट्रांजेक्शन नंबर है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ये कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट करके हमने इसको अपने मोबाइल में सेव कर लिया है। गाइस उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने आपको समझाई आपको समझ आई रहेगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रांसफ़र करने से पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है किस तरीके से बेनिफिशियरी ऐड करनी है, तो आप ये वाली वीडियो पे क्लिक करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको इस बैंक की और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ नीचे क्लिक करके ये वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आपके जहन में जो सवालात हैं, इन सारे चीज़ों आप सेव हो जाएंगे। गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।